अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। और मेरी आज की जो वीडियो है वह है, मैं अपना लीमू पे बनाई है। मैंने अपना एक लीमू उगाया था 2 महीने पहले, तो ये बिल्कुल सूख चुका था और इसका जिंदा होना भी नामुमकिन था। और तो अब माशाल्लाह 2 महीने के बाद इसने अपनी ब्रांचेस निकाली हैं, और ब्रांचेस के बाद इसने अपने फर्टिलाइजर्स भी निकाल लिए हैं। माशाल्लाह ये उगना भी शुरू हो गए, फल देना भी शुरू हो गया, और ये बहुत ही अच्छा फल होता है। ये देखें, ये सामने आपको दिखाई दे रहे हैं, ये देखें, ये उगना शुरू हो गए ज़बरदस्त। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि ये ना फिर से फूल फल देना शुरू हो गया। एक तो मुकम्मल पैदा ही नहीं हुए, पके ही नहीं है, दूसरे फूल भी देना शुरू कर दिया इसने। ये बहुत ही अच्छी वैरायटी है। ये देखें, ये फूल देना फिर से शुरू कर दिया और इसकी ग्रोथ फिर से बढ़ना शुरू हो गई। ये बिल्कुल ही सूख गया था जब मैं लेके आया था, लेकिन ये मुझे पता नहीं था कि ये पैदा उगेगा या नहीं उगेगा। ये देखें, ये अब माशाल्लाह ये सारी ब्रांचेज नाई निकाली हैं और इसने फल भी देना शुरू कर दिया है। इसकी 5-5 इंच की भी ब्रांचेज नहीं है, और ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीकाकार है इसको पैदा करने का। और इसको हम अपने सालन में भी यूज़ करते हैं और पानी में भी कुछ लोग यूज़ करते हैं, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है। ये मैंने एक दिन पहले भी, एक महीना पहले भी मैंने उगाया था, वो बिल्कुल सूख गया था, लेकिन मैं और लेके आया, फिर इधर लगाया। ये सूख तो गया था, ये देखें, लेकिन फिर से ये अपनी ब्रांचेज निकालना शुरू कर दी और ये इधर से फल फूल भी देना शुरू कर दिए, और इसकी सफाई भी करती रहेंगे और इसके साथ साथ पानी भी देते रहेंगे और खुराक भी देते रहेंगे ताकि ये हमारा फल फूल मुकम्मल हो जाए। ये देखें, ये एक ऐसी वैरायटी है जो बिल्कुल ही ब्रांचेज निकालते वक्त ये फल फूल देना शुरू हो जाता है। तो इसको मैं कहता हूँ इसको लगाएं पौधा, और ये इसको चाइनीज़ लीमू भी कहते हैं, और इसको हम अपनी ज़ुबान में चाइनीज़ फल भी कहते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त इंटरेस्ट है, और मैं यही कहता हूँ कि आप ये भी लगाएं, क्योंकि ये ब्रांच निकालते ही अपनी फल फूल देना शुरू हो जाता है, इसका कोई साल भर इंतज़ार नहीं करना पड़ता। ये देखें, ये एक तो छोटे छोटे फल दिए हुए हैं इसने, तो जब छोटे छोटे फल दिए हुए हैं इसने फिर से ये फूल देना शुरू हो गया। ये देखें, ये एक ऐसी वैरायटी है जो बिल्कुल ही ज़बरदस्त है। इसने इतना फल फूल देना है कि बस अपनी हस्ती से ज़्यादा। मैं यही कहता हूँ कि आप यही वैरायटी लगाएं, ये बिल्कुल अच्छी है, और अपने घरों में भी लगा सकते हैं, गमले में भी लगा सकते हैं। ये मैंने पहले इसको बड़े गमले में लगाया था और इसके बाद इसको मैंने चेंज करके ज़मीन के अंदर बोया है, और मैं बिल्कुल ही छोटी मैंने गैलरी बनाई हुई है, पार्क बनाया हुआ है, उसके अंदर मैंने लगाया हुआ है, और ये बिल्कुल ही ज़बरदस्त है। और मैं यही कहता हूँ कि आप यही उगाएं, क्योंकि ऐसी वैरायटियाँ बहुत ही मुश्किल से मिलती हैं, और अगर मिल भी जाती हैं वो फल फूल देने वाली नहीं होती, वो नर होता है, मादा नहीं होता। तो मैं यही कहता हूँ कि इसको लगाएं, क्योंकि ये ब्रांच से निकालते ही फल देना शुरू हो जाता है, इसका साल भर इंतज़ार करना नहीं पड़ता। अच्छा, वीडियो मेरी आपसे गुजारिश है छोटी सी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मेहरबानी, खुदा हाफिज़।